धर्मशाला में आज होगी भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर, जीतने वाला पहुंचेगा नंबर वन। जी हां, बहुत स्वागत है आपका खेल का अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। धौलाधारा की प्रभा श्रृंखला की तलैटी में बने दुनिया के सबसे सुंदर क्रिकेट मैदानों में से एक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम पर आज रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम विश्व कप का अपना पांचवा मुकाबला खेलने उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश के विरुद्ध टीम भारत जिस तरह निडर होकर खेली उससे उसे रोकना मुश्किल लग रहा है। अब तक टूर्नामेंट में अजेय भारतीय टीम का सामना एक और अजेय टीम न्यूजीलैंड से होगा। बात की जाए तो दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। इस मैच से यह तय हो जाएगा कि टूर्नामेंट में कौन सी टीम आगे की अजेय रहने वाली है और किसका विजय रथ धर्मशाला में आकर रुक जाएगा। इस मैच में जो टीम जीतेगी वह अंक तालिका में नंबर वन पर पहुंचेगी। अगर अब तक का दोनों टीमों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत और न्यूजीलैंड ने सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अगर बात की जाए भारतीय बल्लेबाजी की तो शीर्ष क्रम से लेकर मध्यम क्रम ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अगर भारत का शीर्ष क्रम विफल रहा तो मध्यम क्रम ने टीम को जीत दिलाई। अफगानिस्तान के विरुद्ध रोहित ने शानदार शतक लगाया और कोहली ने अर्धशतक के साथ मैच जिताया। बांग्लादेश के विरुद्ध रोहित सुमन ने तेज शुरुआत दिलाई तो किंग कोहली ने शतक बनाकर टीम की विजय लय कायम रखी। लेकिन इस सबके बीच न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी अपने पूरे रंग में है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की तो पूरे रंग में दिख रहे हैं। जी हां, इंग्लैंड के विरुद्ध रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे ने मैच जिताऊ पारी खेली। नीदरलैंड के विरुद्ध उसके मध्यम क्रम ने रन बनाए तो बांग्लादेश के विरुद्ध कप्तान केन विलियमसन और डेरले मिचेल ने अर्धशतक लगाते हुए जीत दिलाई। अफगानिस्तान के विरुद्ध जब टीम 110 रन पर 4 विकेट खोकर संकट में थी तो ग्लेन फिलिप्स और टॉम लाथम की टीम के लिए संकट मोचन बने। कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरे रंग में दिख रही है। हालांकि गेंदबाजी में भारतीय टीम कीवियों से बेहतर दिख रही है। जसप्रीत बुमराह और सिराज जहां नई गेंद के साथ पुरानी गेंद से भी कहर भर पा रहे हैं तो स्पिन में कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की फिरकी का बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का भी कम तौर पर आंकना गलत हो सकता है। जिस तरीके से मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें भारतीय टीम शुक्रवार को यहां पहुंची और उसने आराम करना ही उचित समझा। वहीं एक दिन पहले पहुंची यहां कीवी टीम ने शुक्रवार को यहां जमकर अभ्यास किया और जमकर पसीना बहाया। वहीं आपको बताते चले भारत और न्यूजीलैंड 7 वर्ष बाद धर्मशाला के मैदान पर आमने सामने होंगे। इससे पहले दोनों के बीच 16 अक्टूबर 2016 को वनडे मुकाबला खेला गया था जिसमें भारत ने कीवी टीम को 6 विकेट से पराजित किया था। हालांकि भारत के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का चोटिल होना। जी हां, न्यूजीलैंड के विरुद्ध मैच में नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या। आप सबको पता है कि हार्दिक की उपस्थिति टीम इंडिया में कितनी जरूरी है। जिस तरीके से हार्दिक बीच के ओवरों में आके गेंदबाजी करते हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं उससे भारतीय टीम में संतुलन बना रहता है। पुणे में बांग्लादेश के विरुद्ध पांड्या का टखना मुड़ गया था जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद पांड्या का स्कैन किया गया जिसके बाद वह रिकवरी के लिए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी चले गए। बीसीसीआई ने बताया भारतीय टीम के उप कप्तान हार्दिक ने अपनी ही गेंद पर क्षेत्र रक्षण करते समय अपना पैर का टखना चोटिल करा बैठे थे। स्कैन के बाद हार्दिक को आराम की सलाह दी गई। हार्दिक बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे। यानी कि हार्दिक पांड्या धर्मशाला नहीं जा रहे हैं और सीधे लखनऊ में टीम के साथ जुड़ेंगे। धर्मशाला में आज मैच खेलने के बाद भारतीय टीम को सीधे 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के विरुद्ध खेलना है। पांड्या के चोटिल होने के कारण भारतीय टीम को कम से कम 2 परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। हार्दिक पांड्या टीम के रीढ़ हैं। वह तेज गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करते हैं। उनके नहीं खेलने से टीम का संयोजन बिगड़ जाएगा। रोहित को अगले मैच में 2 परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। जी हां, शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को शामिल कर सकते हैं जबकि हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव को खिलाना पड़ सकता है। ऐसे में टीम के पास 6 बेहतर बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर और 4 अच्छे गेंदबाज होंगे। वर्तमान परिस्थिति में टीम के लिए इसी संयोजन के साथ जाना बेहतर होगा। और आप सबको पता होगा जिस तरीके से न्यूजीलैंड और इंडिया को जो सामना होता है विश्व कप 2019 में, उस मैच को न्यूजीलैंड की टीम ने
किस तरीके से भारत के मुंह से वो जीत छीनी थी। जिस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी जब रन आउट हुए थे, वो पल भारतवासियों के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितना आप ये कैसे दुखदायी रहा होगा। और उम्मीद पूरी जताई जा रही कि आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम 2019 का भी बदला लेगी और इस मैदान पर जो भारत का रिकॉर्ड है, यानी कि 2016 में जो कीवी टीम को पराजित किया था, आज एक बार फिर से वो देखने को मिलेगा। यानी कि मैच 2 बजे शुरू होगा। अब सबकी निगाहें हैं भारतीय टीम संयोजन पर, भारत के कोच राहुल द्रविड़ पर और भारत के कप्तान रोहित शर्मा पर टिकी होंगी। आखिर हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, आखिर हार्दिक पांड्या की जगह इस मैच में कौन खेलेगा। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।